मैरिटल रेप सेक्शन 375 सेवेंटी फाइव ऑफ आई रेप को डिफाइन करता है इसका एक्सेप्शन टू बताता है कि वाइफ का रेप अगर हजबेंड करता है तो वो क्राइम नहीं है बस वाइफ की एज पंद्रह साल से ऊपर की होनी चाहिए लेकिन बाद में इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने माइनर वाइफ जो पंद्रह से अट्ठारह साल की उम्र की है उसके साथ अगर सेक्शुल इंटरकोर्स होता है तो उसे भी क्रिमिनलाइज कर दिया सो so, अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि अगर वाइफ अट्ठारह साल से ऊपर की है तो हस्बैंड अगर उसके साथ रेप करता है तो वो क्राइम नहीं है अब ये हुआ कि मैरिटल रेप की कॉन्सेप्ट को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया एंड अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें स्प्लिट वर्डिक्ट पास किया केस का नाम है आरआईटी फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्प्लिट वर्डक्ट यानी जहां पर दोनों जजेस की अलग अलग राय है यहां पे जस्टिस राजीव शक्देड़ ने मैरिटल रेप को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया एंड इसलिए एक्सेप्शन टू ऑफ सेक्शन थ्री फाइव एंड थ्री सिक्स बी आई पी सी को आर्टिकल फोर्टीन के वॉलेटिव होने के कारण स्ट्रक डाउन कर दिया एंड दूसरे जज जस्टिस थे सी हरी शंकर जिन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बोला और बोला कि एक्सेप्शन टू टू सेक्शन थ्री फाइव इंटेलिजिबल डिफ्रेंशिया पर बेस्ड है चलिए अब देखते हैं कि क्यों मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए वॉट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप फर्स्ट इज कि मैरिटल रेप वो सेक्सुअल वॉलेंस है जो कभी भी रिपोर्ट नहीं किया जाता इट इज नेवर रिपोर्टेड और इट लीव्स वेरी डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन वेमेन जिसके कारण जो औरतें हैं वो चुपचाप सहती रहती हैं डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं पॉइंट टू इज़ कि ये आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वाइलेट करता है एज वेमेन को डिग्निटी से रहने का अधिकार है उसे अपनी पर्सनल और सेक्शुअल ऑटोनॉमी को डिसाइड करने का अधिकार है थर्ड पॉइंट इज़ कि रेप तो रेप होता है चाहे वो अनमेरिड वेमेन के साथ हो या मेरिड वेमेन के साथ इसलिए कोई भी क्लासिफिकेशन रियलिटी को ऑल्टर नहीं कर सकता पॉइंट फोर इज़ इट इज़ अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल फोटीन ये आर्टिकल फोर्टीन का वॉयेशन है कि वेमेन पर डिफरेंट क्रिमिनल प्रोविजंस लग रहे हैं सिर्फ उसका मैरिटल स्टेटस चेंज होने की वजह से एक मैरिड वेमेन को भी अपनी बॉडी पर उतना ही अधिकार है जितना कि अनमेरिड वेमेन को इसलिए दोनों पर समान प्रोविजंस लगने चाहिए पॉइंट फाइव इज कि जो 2005 का एक्ट है दैट इज डोमेस्टिक वॉलेंस एक्ट वो मेरिटल रेप की तरफ कुछ हिंट करता है बिकॉज़ ये एनी फॉर्म ऑफ सेक्शुअल अब्यूज़ जो लिव इन रिलेशनशिप में या मैरिट मैरिज में होते हैं उनको कवर करता है एंड देयर बाय ये वेमेन को कुछ सिविल रेमेडीज प्रोवाइड करता है जैसे कि प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हुआ या फिर रिकॉर्ड्स uh, लेना वेमेन के द्वारा कि वो अपने आप को वॉलेंट एंड डेंजरस सिचुएशन से रिमूव कर सकें बट इंडिया में अभी ऐसा कोई क्रिमिनल लॉ नहीं है जहाँ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जा सके विक्टिम के द्वारा नेक्स्ट पॉइंट इज कि जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी जो निर्भया कांड के बाद फॉर्म हुई थी उसने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए रिकमेंड किया था बट द सेम वॉज नॉट एक्टेड अपॉन नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है इनफैक्ट यूनाइटेड किंगडम में भी इसे क्रिमिनल ऑफेंस 1991 में बना दिया गया था चलिए अब देखते हैं कि क्या चैलेंज है चैलेंजेस हैं कि क्यों इसे क्रिमिनलाइज़ नहीं करना चाहिए फर्स्ट इज़ कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज़ सेक्रेट इन सोसाइटी और इसे हर हालत में अपहोल्ड करना चाहिए क्योंकि हमारे देश में शादी के बंधन को बहुत पवित्र माना जाता है जिसे हर कीमत पर निभाना चाहिए और अगर हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करते हैं तो ये मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन के लिए खतरा है सेकेंड पॉइंट है कि कुछ वाइज इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकती हैं वो अपने इनोसेंट हस्बेंड्स पर मैरिटल रेप के फॉल्स केसेस लगा सकती हैं जैसे कि सेक्शन 498 आईपीसी का होता है मिसयूज यूज़ वहाँ पर हस्बेंड्स के द्वारा क्रुअलिटी की बात की जाती है सेक्शन 498 आईपीसी में एंड बहुत मिस होता है फोर नाइन्टी का जहाँ पर हस्बैंड को फॉल्स केसेज में फंसाया जाता है बिल्कुल वैसे ही मेरिटल रेप की प्रोविजन को क्रिमिनलाइज करने पर मिसयूज़ होगा थर्ड पॉइंट इज कि जो हस्बैंड्स हैं उनके लिए अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो क्राइम्स होते हैं दे आर कमिटेड इन अ स्पेस वेर देर आर नो आई विटनेसेस मतलब ये ऐसे क्राइम्स हैं ये वहाँ होते हैं जहाँ पे एविडेंसेस को कलेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है सो so, ये सारे थे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट सो ये बहुत ही पेचीदा इशू है मेरिटल रेप का एंड इसमें सिर्फ लॉज को इम्प्लीमेंट करने से बात नहीं बनेगी सोसाइटल चेंज इज़ ऑल्सो पाईवल सोसाइटल चेंज लाना भी बहुत जरूरी है इट्स इट्स बेटर टू ब्रिंग बिहेवियरल चेंज ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेंट ठीक है तो मॉरल एंड सोशल अवेयरनेस आने चाहिए कि कंसेंट भी मैटर करती है सोसाइटल चेंज लॉज के साथ इक्वली आना चाहिए सो दिस वॉज ऑल थैंक यू वेरी मच